सो गाइस, अब हम चर्च के अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर चर्च के बाहर कैंडल लगा रहे हैं और आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर दान पेटी रखी गई है, जिसका मन हो वो यहाँ पर डोनेट कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस समय मैं हूँ लखनऊ का जो फेमस कैथेड्रल चर्च है, वहीं पे आया हुआ हूँ। और इस चर्च की खास बात ये है कि यहाँ पर सारे मजहब, सारे रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चन, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और आज है क्रिसमस का दिन, क्रिसमस डे। तो गाइस, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। ये देख सकते हैं कि ये चर्च यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे कैंडल लगती है और वहाँ पर एक तरीके से झांकी बनाई गई है। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक या दो बार मैं आ चुका हूँ। एक दो बार मैं कॉलेज टाइम पर मैं यहाँ पर विजिट किया था, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ अभी काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे शाम हो जाएगी, शाम के 7-8-9 बजेंगे, भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस, ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज है क्रिसमस का दिन और आज हम जा रहे हैं क्रिसमस देखने कि लोग कैसे क्रिसमस मनाते हैं। उसी को लेकर के यहाँ लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये कैथेड्रल चर्च है। हम देखने वाले हैं कि कैसे क्रिसमस मनाया जाता है और लोग यहाँ पर लखनऊ में, लखनऊ का ये बहुत फेमस ही चर्च है, लोग यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, दुकानें लगी हुई हैं। ये पूरी शॉप लगी हुई है। सो गाइस, यहाँ पर हज़रतगंज में दुकानें लगी हुई हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। क्रिसमस के उपलक्ष्य में यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। ये यहाँ पर ब्यूटीफुल गुलदस्ता बिक रहा है, 100 के 4 दे रहे हैं। और उधर तरफ काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो गाइस, ये है हज़रतगंज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय ट्रैफिक नहीं है, केवल भीड़ ही भाड़ दिख रही है। और शाम को 8-9 बजे के करीब यहाँ पर बिल्कुल ही भीड़ हो जाती है, आप जल्दी निकल नहीं पाएंगे। और क्रिसमस ना होने पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर कार और बाइक दिख जाएगी।
देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये कैप बिक रही है, सांता की कैप। और ये जो चर्च है, चर्च का नाम है सेंट जोसेफ कैथेड्रल। सो गाइस, इस समय हम पहुंच चुके हैं चर्च के बाहर। ये है चर्च के अंदर जाने का एंट्री पॉइंट। यहीं से ही इस चर्च के अंदर जाया जाता है। और ये सामने देख रहे हैं, ये फेमस चर्च है लखनऊ का। सो गाइस, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया था, बस बाहर ही हम लोग कैंडल लगा सकते थे। और क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो अंदर नहीं जाने देते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर झंडियाँ बनाई गई थी, लोग कैंडल लगा रहे थे, और दान पेटी भी रखी गई थी कि इसको अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, जैसे कि चंदा बोलते हैं, आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी, लोगों की काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। तो वो सामने मेन चर्च दिख रहा है। यहाँ पर हर धर्म के लोग, मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सभी लोग यहाँ पर आते हैं क्रिसमस मनाने के लिए। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह की झांकी बनाई गई है, जैसे कि जन्माष्टमी के मौके पर झांकी बनी होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर झांकी बनाई गई है। और लिखा हुआ है बैतलहम में आज हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ। तो बेसिकली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और मुस्लिम लोग जो होते हैं वो केवल अल्लाह को ही मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। और बैतलहम जो कि फिलिस्तीनियन सिटी है, जो कि वेस्ट बैंक में है स्थित है, और फिलिस्तीन में पड़ता है,